हरियाणा में केजरीवाल की वजह से हुई कांग्रेस की हार। हरियाणा में आप हो गई फेल, लेकिन बिगाड़ दिया कांग्रेस का खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या हरियाणा में केजरीवाल की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई? हरियाणा में बेशक आपका खाता तक ना खुला हो, लेकिन कांग्रेस को उसने जरूर हरा दिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और अब आगे हम आपको बताएंगे कि ये हुआ कैसे, तो आप जो सुनेंगे उसको सुनकर जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हार की वजह आप हैं। और अगर कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन किया होता तो शायद आज कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना रही होती। हालांकि आपने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। लेकिन हाँ, कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ दिया। ये हुआ कैसे, अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपने लगभग हर एक सीट पर अपने उम्मीदवार तो उतारे, लेकिन उसे सभी में करारी हार मिली। अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती तो परिणाम कुछ और हो सकते थे, और कांग्रेस को भी आपके साथ गठबंधन कर फायदा हो सकता था, क्योंकि हरियाणा की 5 सीटें ऐसी रही जहां आपने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी को मिले वोट कांग्रेस की हार के डिफरेंस से ज्यादा या उसके आसपास रहे। और वो कौन सी 5 सीटें हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, जिनमें हरियाणा की ऊंचा कला, असंध, डबवाली, दादरी और महेंद्रगढ़ सीट है। इन सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। ऐसे में अगर कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी को 5 सीटों पर सीधे सीधे नुकसान पहुंचा सकती थी। हालांकि आपको याद होगा कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होते होते रह गया था, लेकिन इसके कारण राज्य विधानसभा की 5 सीटों पर कांग्रेस को गहरा धक्का लगा है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 सीटें वो हैं जहां पर अंतर बिल्कुल ही कम था, यानी कांग्रेस उस पर जीत सकती थी, लेकिन आपने कांग्रेस की जीत को रोक दिया और कुछ वोटों के अंतर से यहां बीजेपी का उम्मीदवार विजय हुआ। कहीं कहीं तो ऐसा था कि 30 और वोट अगर कांग्रेस उम्मीदवार को मिल जाते तो वो उम्मीदवार जीत जाता, क्योंकि इन 5 सीटों पर कुछ वोटों का अंतर रहा। जैसे ऊंचा कला सीट, यहां बीजेपी उम्मीदवार को 48,968 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 48,936 वोट मिले। यहां सिर्फ 32 वोटों से बीजेपी विजय रही। यहां आपको 2,495 वोट मिले थे। असंध सीट, यहां बीजेपी उम्मीदवार को 54,761 और कांग्रेस उम्मीदवार को 52,455 वोट मिले। यहां जीत का अंतर 2,306 का था, जिसमें आपको 4,290 वोट मिले। डबवाली सीट, यहां बीजेपी को 56,074 और कांग्रेस को 55,464 वोट मिले। यहां जीत का अंतर सिर्फ और सिर्फ 610 वोट का था, जिसमें आपको 6,606 वोट मिले। दादरी सीट, यहां बीजेपी को 65,568 वोट और कांग्रेस को 63,611 वोट मिले। यहां जीत का अंतर सिर्फ 1,957 था, जिसमें आपको 1,339 वोट मिले थे। महेंद्रगढ़ सीट, यहां बीजेपी को 63,036 वोट और कांग्रेस को 60,388 वोट मिले। यहां जीत का अंतर 2,648 रहा, जिसमें आपको 1,740 वोट मिले। यहां आपको बता दें कि राज्य में 70 से ज्यादा सीटों पर आप उम्मीदवार चौथे या उसके बाद के स्थान पर रहे, जिसने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया। आपको यह भी बता दें कि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कुल 90 सीटों में से 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस दौरान उसे नोटा से भी कम वोट मिले थे। आपका वोट प्रतिशत जहां 0.48% रहा, वहीं नोटा को 0.53% वोट मिले थे। इस दौरान 27 सीटें ऐसी रहीं जिसमें आपको 1,000 से भी कम वोट मिले, वहीं 40 सीटों पर उसे 2,000 से भी कम वोट मिले थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने 9, जबकि आपने 1 सीट से उम्मीदवार खड़ा किया। हालांकि यहां भी उसका खाता नहीं खुला था। चलिए अब आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां आप उम्मीदवार को 1,000 से भी कम वोट मिले, जिसमें हरियाणा की 10 से ज्यादा ऐसी सीटें रहीं जहां आप उम्मीदवार को 1,000 से भी कम वोट मिले हैं। इसमें अंबाला कैंट से राजकौर गिल को 554 वोट, अटेली से सुनील राव को 209 वोट,
बादली से हरपाल सिंह को 601 वोट, बहादुरगढ़ से कुलदीप सिंह छिकारा को 966 वोट, बावल से जवाहरलाल को 563 वोट, भवानी खेड़ा से धर्मवीर को 646 वोट, एलनाबाद से मनीष अरोड़ा को 885 वोट, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता को 926 वोट, फिरोजपुर झिरका से वसीम जफर को 234 वोट, गन्नौर से आप प्रत्याशी सरोज बाला को सिर्फ 174 वोट ही मिल पाए। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सभी मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में होने के बाद भी उसकी हार हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट में बीजेपी को मिली बहुमत ने सभी को हैरान कर दिया। कांग्रेस की हार के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ने वाली थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाने के कारण दोनों पार्टियों ने अलग होकर चुनाव लड़ा, जिसके रिजल्ट सीधे तौर पर प्रभावित हुए। और जहां आप फेल हुई तो वहीं वो कांग्रेस को भी ले डूबी। और आप भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन कांग्रेस का वोट काटने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। नतीजा बीजेपी की बंपर जीत हुई और कांग्रेस हरियाणा में खड़ा हो गई। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।